हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे। तो आज ये वीडियो मैंने क्लास थर्ड ए के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, मैथ्स सब्जेक्ट है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर में क्या क्या है इस चैप्टर में। तो चैप्टर का नाम है वेयर टू लुक फ्रॉम, ठीक है। मैथ्स सब्जेक्ट है, क्लास थर्ड ए के स्टूडेंट्स के लिए, वेयर टू लुक फ्रॉम। ठीक, तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम समझेंगे चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर के में क्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर वन है, लुक एट द पिक्चर ड्रॉन हेयर एंड हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड, विच पिक्चर इज फ्रॉम द टॉप। इसमें हम क्वेश्चन में हम समझ गए हैं कि अब इसमें करना क्या है। तो इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में आपको आपको ये बताना है कि कौन से व्यू से हम इस टेबल को देख रहे हैं। टॉप व्यू मतलब जब हम टेबल को ऊपर से देखेंगे, साइड व्यूज का मतलब है कि जब हम के टेबल को साइड से देखेंगे, ठीक है। दोनों को देखने पे हम हमें ये टेबल अलग अलग नज़र आएगी, तो इसमें यही बताना है हमें। तो इस टेबल, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि लुक एट द पिक्चर ड्रॉन हेयर, हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड एंड विच पिक्चर इज फ्रॉम द टॉप। टेबल साइड से कैसे दिखाई दे रही है और टॉप से कैसे दिखाई दे रही है? तो इसका आंसर है, फ्रॉम द साइड द टेबल लुक लाइक दिस। साइड पे देखने पे देखिए हमें इस तरीके से दिखाई देगी कुछ, इसका टॉप का हमें ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। साइड से हमें इस टेबल का ये वाला दिखाई देगा, इसके जो चार लेग्स हैं वो दिखाई देंगे टेबल के, साइड से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और फ्रॉम द टॉप द टेबल लुक लाइक दिस, और टॉप से देखने पे टेबल हमें, मतलब ऊपर से देखने पे टेबल हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। क्लियर? टॉप से देखने पे हमें टेबल इस तरीके से दिखाई देगी। तो आपको, आशा करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, हेयर आर सम पिक्चर्स, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू लुक टू सी द थिंग्स दिस वे। अब हम कुछ और पिक्चर्स के माध्यम से देखेंगे कि इनको आप साइड व्यू, टॉप व्यू से देखने पे वो पिक्चर कैसे दिखाई देंगी। ओके, तो ये पहला पिक्चर है स्टेयर केस, ये सीढ़ी है, दूसरी भी स्टेयर केस है, एंड थर्ड इज टेबल, फोर्थ इज चेयर, फिफ्थ इज अ पेंसिल, एंड ये बस है, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है, ये बस है। एंड अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये स्टेयर के जो सीढ़ी है, ये कौन से व्यू से देखा जा रहा है, साइड व्यू है या टॉप व्यू है या फ्रंट व्यू है, तो आप बता सकते हैं। और ये भी स्टेयर केस है, सीढ़ी है, कौन सा व्यू है, ये एक टेबल है, ये कौन सा व्यू है, कौन से व्यू से देखा जा रहा है, और ये चेयर है, और पेंसिल एंड बस। अब देखिए ये आप आंसर आप खुद बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, स्टेयर केस ये है आपका साइड व्यूज है, ठीक है। जब साइड से आप देखोगे तो ये सीढ़ी है, कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। सेकेंड स्टेयर केस ये भी सीढ़ी है, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। जब सामने से आप देखोगे सीढ़ी को, ये सीढ़ी चढ़ने के लिए है, सामने से कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। और ये टेबल है, जब ये टेबल का टॉप वाला जो हिस्सा होता है, जहाँ पर आप नोटबुक बुक्स रखते हैं, ये वाला हिस्सा है ऊपर का, ये टॉप से देखा जा रहा है, इसलिए टॉप व्यू है, ठीक है। टेबल का चेयर, ये चेयर है, ये साइड व्यूज है, ठीक है, बैठने के लिए है, ये आप साइड से देखोगे तो इस तरीके से दिखाई देंगी। पेंसिल का आप देखोगे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये टॉप व्यू है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा है पेंसिल का, तो आप पेंसिल को ऊपर से देखोगे, टॉप से देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी, इसलिए टॉप व्यू है। बस है, ये साइड व्यू है, साइड से बस को देखोगे तो साइड इस तरीके से दिखाई देंगी। ओके, तो ये इसके आंसर थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। नाउ ये स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल के बारे में हम पढ़ेंगे, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल इट्स साइड्स हैव इक्वल लेंथ एंड ऑल द फोर कॉर्नर्स आर राइट एंगल।
स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसकी चार साइड होती है और फोर कॉर्नर्स होते हैं और फोर साइड्स होती है, ठीक है। तो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, और उसमें फोर साइड होती है, फोर की फोर साइड्स इक्वल होती हैं और वो राइट एंगल बनाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं स्क्वायर की। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल विद ऑल साइड्स बीइंग इक्वल। अपोजिट साइड जो होती है स्क्वायर की वो पैरेलल होती है, पैरेलल मीन्स जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है लाइन, ठीक है। विद ऑल साइड्स बीइंग इक्वल पैरेलल होती है और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अभी मैंने बताया इक्वल होती है और पैरेलल होती है, पैरेलल में जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। मतलब जैसे ये फिगर है, ये स्क्वायर है ए बी सी डी, ठीक है। तो ये सारी साइड्स के आपस में बराबर हैं, ये भी बराबर है, तो इसकी अपोजिट साइड्स कौन सी भी ए बी के अपोजिट में है सी डी, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड्स इक्वल हैं, और दिस साइड्स इज इक्वल टू दिस साइड्स, ये भी इसके इक्वल है। अपोजिट मीन्स एक दूसरे के अपोजिट में जो साइड्स है वो इक्वल होती है, मतलब कि सारी साइड्स जो हैं इक्वल होती है स्क्वायर में। एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, सारे एंगल क्या होंगे 90 डिग्री। एंगल ए 90 डिग्री का होगा, बी 90, सी एंड डी सारे इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। ओके, अब हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे। ए रेक्टेंगल इज अ फोर साइडेड पॉलीगन इन विच द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। एक रेक्टेंगल क्या होता है, एक फोर साइडेड होता है, और इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है और इक्वल होती है। इसमें केवल अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और बाकी साइड्स सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जैसे ए बी के अपोजिट ये वाली साइड है डी सी, ठीक है, ये वाली साइड, तो ये इसके इक्वल इक्वल होंगी, और बी सी के इक्वल होंगी ए डी, बट ये वाली और ये वाली साइड्स इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। केवल आमने सामने वाली साइड इक्वल होंगी, या कह सकते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, बाकी ऑल साइड्स इक्वल नहीं होंगी। की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है, और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू इच अदर। अपोजिट साइड्स ही पैरेलल होंगी, ठीक है, सारी साइड्स पैरेलल, सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। इंटीरियर एंगल मीन्स जो एंगल अंदर से बन रहे हैं इसके, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ये एंगल ए 90 का होगा, बी भी 90 है, सी भी 90 एंड डी भी 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट द दीज फिगर्स टू मेक स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। इसको आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये देखिए, जैसे ये है, ये डॉटेड लाइन दे रखी है, इस पे एक लाइन ये है, एक ये है, थर्ड लाइन ये हो जाएगी एंड फोर्थ ये, इसको कंप्लीट बनाना है, ये रेक्टेंगल बन जाएगा फिर, ठीक है। डॉटेड लाइन से 1, 2, 3 एंड 4 लाइन, ठीक है, रेक्टेंगल हो जाएगा। अगेन दिस देखिए, यहाँ पर 1 लाइन ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, और फोर्थ, इसको मिलाने पे ये भी रेक्टेंगल बन जाएगा। ये देखिए, फोर्थ लाइन मिलाने पे ये स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर ऐसे आपको 1, 2, 3, 4, 5 फिगर दे रखे हैं, इसको आपने कंप्लीट करके उन रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाना है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री देखिए, या कहें मिरर हाफ्स, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मिरर हाफ क्या होता है या मिरर सिमेट्री क्या होता है। मिरर सिमेट्री डिवाइड्स ए फिगर और डिज़ाइन इन टू हाफ्स दैट आर मिरर इमेजेस। इन अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट आर द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए लाइन, यूजली इन द मिडिल। इसका मतलब ये है कि मिरर सिमेट्री हम उसको कहते हैं जब भी कोई फिगर हमारे पास दे रखा हो, उसको जब हम एक बीच वाली लाइन से कट करते हैं तो इधर साइड भी सेम होगा और इधर साइड भी सेम होगा, ठीक है। कोई भी लाइन कट करने पर हम बराबर साइड से, मतलब इधर भी सेम होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी सेम होगा, ठीक है, बराबर सेम होगा, चाहे आप जहीं से भी उसे कट करें। यूजुअली हम क्या लेते हैं, मिडिल वाला पोर्शन लेते हैं, बीच वाला, ताकि क्या हो, बराबर आए इमेज,
लेफ्ट हैंड साइड की इमेज जो है वो इक्वल आए राइट हैंड साइड की, तभी वो मिरर हाफ्स कहलाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन देखिए इसमें, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, डज द डॉटेड लाइन डिवाइड ईच पिक्चर इन टू टू सिमिलर मिरर हाफ्स। इस पिक्चर को देखना है और ये बताना है कि ये मिरर हाफ्स हैं या नहीं हैं, मतलब लाइन कट करने पे वो बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं दोनों साइड। अगर आ रहे हैं तो यस टिक लगाएंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो नो। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन ड्रॉ है इस फिगर में, इस साइड बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मिरर हाफ्स नहीं है। इसमें है देखिए, अगर आप यहाँ से कट करेंगे तो ये इक्वल है इसके, बराबर एक जैसी इमेज आ रही है, ये नहीं है ये है, ठीक है। एंड कुछ और फिगर हैं यहाँ पर देखिए, ये भी मिरर हाफ्स नहीं है। देखिए यहाँ से कट किया हुआ है और ऊपर वाला टॉप वाला जो है बॉटम वाले के इक्वल नहीं है। इसमें है देखिए, यहाँ से कट किया हुआ है और यहाँ पर से कट किया हुआ है, तो ये क्या है, मिरर हाफ्स है। ऐसे ही ये भी है, यस बोथ आर इक्वल, मिरर हाफ्स है, ये भी है। एंड इस तरीके से आप बाकी फिगर को भी बता सकते हैं ये मिरर हाफ्स है या नहीं है, ठीक है। अगर जैसे एम देखिए, इक्वल दोनों तरफ आ रहा है, इधर से भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है, इधर से भी ऐसे ही, बीच में लाइन कट करने पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये मिरर हाफ्स है। तो ऐसे ही आप और भी फिगर्स को अपने आप देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन से मिरर हाफ्स हैं या नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ आ चुका होगा, और इससे और क्वेश्चंस में आपको भेजूंगा, इसमें क्वेश्चंस को वो आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।